नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। प्रवासी मजदूरों के पलायन को लेकर देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। अब कोई भी प्रवासी मजदूर जो उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर से पैदल या साइकिल पर या किसी अन्य साधन से सड़कों के माध्यम से अगर वो जा रहे हैं तो उन्हें फिलहाल वहीं पर रोक दिया जाएगा और यह पूरी प्रक्रिया उस जिले के डीएम द्वारा की जाएगी। दरअसल इन प्रवासी मजदूरों को वहां रोका जाएगा, उसके बाद बस से या ट्रेन से उन्हें आगे की यात्रा कराई जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने अपने कोविड-11 की जो टीम उन्होंने बनाई है, अधिकारियों की टीम, उस अधिकारियों की टीम में ये निर्देश दिए हैं कि अभी से इस आदेश का सख्ती से पालन किया जाए। यानी कि अब पुलिस प्रशासन को पूरी तरीके से अपने जिलों में यह व्यवस्था करनी होगी कि वहां से जो भी मजदूर सड़कों के माध्यम से गुजर रहे हैं, चाहे वो पैदल या साइकिल से या किसी ऐसे वाहन से जो खतरनाक हो सकता है, जिसमें बहुत सारी ये भी जिक्र की गई है कि कोई ऑटो से भी अगर उसे जा रहा है तो उसे वहीं रुकना होगा, उसके बाद उन्हें श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से भेजा जाएगा या उस शहर के डीएम के द्वारा इन प्रवासी मजदूरों को उनके शहरों तक भेजा जाएगा। ये व्यवस्था करने के लिए अब कही गई है कि उत्तर प्रदेश में, चूंकि अभी तक सबसे ज्यादा मजदूर यूपी के ही पलायन करके आ रहे हैं, ऐसे में ये एक बड़ा फैसला है। और चूंकि विगत 2-3 दिनों से लगातार एक्सीडेंट की भी खबरें आई थी, लोग जो प्रवासी मजदूर सड़कों से गुजर रहे थे, 2-3 ऐसे खबरें आई, हृदय विदारक खबरें थी, जिसके बाद ये एक बड़ा फैसला लिया गया। हालांकि आपको ये मैं बता दूं कि कल शाम को होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक लेटर भी जारी किया गया था। उस लेटर में ये साफ साफ लिखा गया था कि देश के तमाम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यह सुनिश्चित करें कि कोई भी मजदूर सड़क मार्ग से पैदल अपने घर तक नहीं जाएगा, वह बसों से या ट्रेनों के जरिए ही अपने गृह राज्य तक जाएंगे। यह निर्देश तमाम राज्यों पर कहा गया था कि इसका सख्ती से पालन करें। उसके बाद योगी आदित्यनाथ सरकार प्रवासी मजदूरों के पलायन को लेकर एक बड़ा निर्देश उन्होंने जारी किया है कि अब जो भी मजदूर सड़क मार्ग से लगातार यात्रा कर रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, तो उन्हें अब ट्रेनों या बसों के जरिए दूसरे राज्यों तक भेजा जाएगा या जिस शहर तक वो जाना चाहते हैं उन शहरों तक उन्हें पहुंचाया जाएगा। ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। वहीं आपको ये भी बता दूं कि अब लगातार जब ये दुर्घटना की खबरें आने लगी, उसके बाद बीजेपी में भी एक मीटिंग हुई है। बीजेपी की जो कोर टीम है उसमें भी मीटिंग हुई है, ये कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को अमित शाह ने यह कमान सौंपी है कि अब बीजेपी के जिला स्तर के तमाम कार्यकर्ता यह सुनिश्चित करें कि उनके जिले से जो भी प्रवासी मजदूर जाएं उन्हें सकुशल बसों तक या ट्रेनों तक जरूर पहुंचाया जाए, साथ ही उन्हें पानी और उनके लिए खाने की व्यवस्था भी की जाए। ये बीजेपी के भी तरफ से बड़ा कदम उठाने की बात कही है। जो अमित शाह की जेपी नड्डा के साथ मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में ये फैसला लिया गया है, जिसके बाद जेपी नड्डा ने देश के अलग अलग राज्यों के कार्यकर्ताओं से बात की है और यह उन्होंने कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाए। बल्कि इसमें यह भी कहा गया है कि हर जिले के बॉर्डर पर बीजेपी अपने तरफ से कैंप भी लगाए और जिसके जरिए खाना और पानी मुहैया कराए इन लोगों को जो लगातार पलायन कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा फैसला है। जो भी मजदूर लगातार देश में, ऐसी तस्वीरें आ रही हैं पलायन की, उन मजदूरों के लिए ये थोड़ी राहत भरी खबर है कि अब उनके लिए बसें और ट्रेनों के इंतजाम किए गए हैं और इस निर्देश का सख्ती से पालन करने के लिए भी प्रशासन को कहा गया है।